न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खंडवा से, जहां लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राज नारायण सिंह पूर्णी के प्रचार के लिए कंप्यूटर बाबा ने मोर्चा संभाल लिया है। जी हां, आपको बता दें, कंप्यूटर बाबा सबसे पहले ओंकारेश्वर पहुंच गए हैं। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर और नर्मदा जी के दर्शन कर मानधाता विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर जनता से संवाद करने के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने मानधाता के ओंकारेश्वर, बूंदी, अटूट चौराहा, खेड़ापति, हनुमान मंदिर खुटला और धमन गांव पुनासा में प्रचार कर सभाओं को संबोधित किया है। इस अवसर पर कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से चर्चा की, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस का कार्यकाल 15 महीने का ही, देख के जनता उसे वोट देगी। ये कुछ भी करने जनता सब समझ गई है, जनता को कितना भी झूठ बोला जाए जनता समझ गई है। अब जनता इनके चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। जो सरकार है इन्हें बुद्धि दे कि कम से कम धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म का काम करें, अवैध रेत खनन ना हो और जनता परेशान ना हो, महंगाई कम हो, ऐसा हम लोगों ने भगवान ओंकारेश्वर से कहा है। और दूसरा, आने वाले समय में जो उपचुनाव है उसमें भी कहा है कि धर्म के साथ जो भी चलेगा उसकी विजय होगी, और जो अधर्म के साथ साधु संतों को परेशान करेंगे, नर्मदा को परेशान करेंगे, जनता को परेशान करेंगे, महंगाई बढ़ेगी, इस टाइप के लोग जो रहेंगे, ऐसी सरकार रहेगी तो इनका विनाश होगा। आपको आलाकमान ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए भेजा है, तो साधु संतों को आप क्या संदेश देंगे? देखिएगा, हम लोग प्रचार में नहीं भेजा है, साधु संत खुद ही निकले हैं। जब साधु संत परेशान हो जाते हैं, आपको मालूम है कि जब विनाश होता है तो ऊपर वाले से सभी लोग निवेदन करते हैं कि हमें बचाएं, हमारी सहायता करें, इसीलिए साधु संत निकले हुए हैं। उपचुनाव है, उपचुनाव में ना किसी सरकार बिगड़ना है, न सरकार कोई नहीं बनना है, पर इसके बाद भी एक संदेश जाना चाहिए, जनता के पास मालूम होना चाहिए कि धर्म के साथ जो कुठाराघात हो रहा है वो बचे, और ऐसे लोगों को वोट ना दें, बीजेपी वाले लोगों को, जो महंगाई के साथ साथ और संतों के साथ, नर्मदा के साथ, नदियों के साथ अधर्म काम करें। खंडवा से ललित दुबे के साथ न्यूज लीडर्स।